क्या प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है? क्या नए बस स्टैंड के विरुद्ध जो माननीय जबलपुर हाई कोर्ट न्यायालय ने स्टे दिया है उसका प्रशासन पालन नहीं कर रहा है? बात मध्य प्रदेश के सागर की हो रही है, जहां कलेक्टर के उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जबलपुर ने स्टे ऑर्डर जारी किया है, जहां कहा गया है कि पुराने बस स्टैंड डॉक्टर हरि सिंह गौर प्राइवेट बस स्टैंड से यात्री बस नए दो बस स्टैंडों पर कलेक्टर के आदेश के अनुसार बीते महीने शिफ्ट कर दी गई थी, जहां नए बस स्टैंड से बस संचालित हो रही थी, जहां एक महीने तक नए बस स्टैंड जो नए आरटीओ कार्यालय के पास है उससे यात्री बस शासन के आदेश से तिलीगांव सिविल लाइन से मकरोनिया होती हुई इसी रूट से जा रही थी। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केविन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सैमराबाग, रानी दुर्गावती वार्ड नंबर 1, 4 लाइन लिंक रोड, मकरोनिया, सागर। यही उनका रूट था, लेकिन बीते दिनों कलेक्टर ने यह रूट खत्म कर दिया और उन्हें बाईपास के रास्ते बमोरी तिराहे से जाने के आदेश दिए गए। तब बस ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए और बीते दिन सरकार और प्रशासन ने वही रूट बस ऑपरेटर को दे दिया और हड़ताल खत्म हो गई। लेकिन इसी बीच बस ऑपरेटर जबलपुर हाईकोर्ट की शरण में पहुंच चुके थे। हड़ताल खत्म होने के दूसरे दिन कोर्ट ने स्टे दे दिया और कोर्ट ने कलेक्टर के आदेश के खिलाफ स्टे दिया है नए बस स्टैंड से बस संचालन के खिलाफ यह स्टे हुआ था। लेकिन अब जब बस ऑपरेटर स्टे की एक कॉपी कलेक्टर, एसपी और नगर निगम आयुक्त को 4:45 पर दे चुके हैं और उनसे मिल चुके हैं, उसके बाद भी अभी भी प्रशासन ने पुराने बस स्टैंड से बस संचालित करने की बात नहीं की है। जो प्रशासन ने दोनों बस स्टैंडों पर बैरिगेट्स लगाए थे वो बैरिगेट्स यथावत लगे हैं, उन्हें हटाया नहीं गया है। वहीं प्रशासन ने हाई कोर्ट के स्टे को पढ़कर यही कहा है कि हम नियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे। प्रशासन की मंशा साफ है कि वह बैरिगेट्स नहीं हटाने जा रही है। ऐसे में बस संचालक बैरिगेट्स की दिशा से नहीं बल्कि हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस दिशा से बस स्टैंड प्राइवेट बस स्टैंड में प्रवेश करेंगे। पुराने बस स्टैंड से वो सुबह 6 बजे अपनी बस संचालित कर रहे हैं। आने वाले दिन यानी सुबह 6 बजे से यात्री बसें पुराने बस स्टैंड से संचालित होगी। तो मैंने कहा साहब ये हम लोगों को संचालन करना है, क्या निर्देश हैं हाईकोर्ट के आदेश के पालन में? तो बोले भाई कलेक्टर साहब के जैसे निर्देश करेंगे मैं वैसा करूँगा। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि वो कलेक्टर साहब के जैसे निर्देश होंगे मैं वैसा करूंगा। तो मैंने कहा भाई मैं तो उच्च न्यायालय के आदेश के तारतम्य में आप लोगों को ये कापी देने और अवगत कराने आया था, और उसके बाद सारे बस ऑपरेटरों की यहाँ पे बैठक हुई तो सबका कहना है कि कल से हम लोग संचालन इस बस स्टैंड से और वहाँ से करेंगे। वो तो शासन यदि बैरिकेड नहीं हटाता है तो यात्री गाड़ियाँ बाहर से भरेंगे। मैंने कल सुबह से आप लोग कल सुबह से बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। बस ऑपरेटर का कहना है कि हम हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश का प्रशासन को पालन करना चाहिए और बैरिगेट्स हटाने का आदेश प्रशासन को कोर्ट का स्टे पढ़कर 1 मिनट की देरी करे बिना हटा देना चाहिए। यही नियम कहते हैं, यही कानून है। अब देखना है कि कोर्ट के आदेश का प्रशासन पालन करता है या नहीं। सुबह तक और बस ऑपरेटर प्रशासन के बैरिगेट्स हटाने का इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो वो सुबह 6 बजे पुराने बस स्टैंड डॉक्टर हरि सिंह गौर और प्राइवेट बस स्टैंड से बसों का संचालन करेंगे। यह उन्होंने मीडिया को अवगत करा दिया है, साथ ही प्रशासन को यह बात अवगत करा दी गई है। अब प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश का पालन करता है या नहीं है तो आने वाला कल का वक्त बताएगा। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केविन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सैमराबाग, रानी दुर्गावती वार्ड नंबर 1, 4 लाइन लिंक रोड, मकरोनिया, सागर।